यहां कह रहा है इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर एंड कंसंट्रेशन 92 ग्राम ऑफ Na प्लस आयन पर किलोग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ Na प्लस आयन इन द लेक। अब देखो यहां पर Na प्लस को लिया गया है, सोडियम क्लोराइड को डिजोल्व किया गया होगा, तो सोडियम क्लोराइड आयनाइज कर गया Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब जरा समझते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा अंडर 10th 11th वाले कंसेप्ट को यूज करते हैं। Na प्लस का मतलब क्या हुआ? Na प्लस का मतलब सोडियम के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। एटम में मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से एटॉमिक मास पर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से नेग्लिजिबल है। याद आ रहा है 1/1840 के करीब में आता है, उसके अप्रॉक्स में आता है वैल्यू, तो बहुत कम है। इस वजह से तो सोडियम का मास दिया हुआ है 92 ग्राम, तो सोडियम का बताओ मोल निकल जाएगा, एटॉमिक मास कितना मानेंगे 23। जो सोडियम एटम का है वही इसका भी होगा। तो यहां से हम लोग डाटा सेपरेट करते हैं, निकालना है हम लोग को क्या मोलालिटी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास ऑफ Na प्लस आयन सोडियम प्लस आयन ये कितना दिया हुआ 92 ग्राम। अब सोडियम एटम है तो इसका ग्राम एटॉमिक मास ही मोलर मास होगा, ये वैल्यू आ गया 23 ग्राम पर मोल। अब इसका मोल निकाल लो, 92 डिवाइडेड बाय 23 कितना आ गया 4 पर किलोग्राम ऑफ वाटर, पर किलोग्राम ऑफ वाटर यानी मास ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम। अगर किलोग्राम में ही रखना है तो फॉर्मूला में 1000 यूज नहीं करेंगे, इट मींस 1000 ग्राम। अब मोलालिटी का फॉर्मूला यूज करो, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या कर देंगे 1000। नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 4 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 1000, ये वैल्यू आ गया 4 मोल पर किलोग्राम, या इसी को हम लोग 4 मोलर कह सकते हैं, ठीक है। यानी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, तो Na प्लस लेकर के, वही अगर सोडियम एटम रहता तो 23 लेकर के चलता। थैंक्स।